दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। सोलन में शनिवार को व्यापारियों ने व्यापार मंडल के चुनावों में प्रधान की नियुक्ति को लेकर अहम मंथन किया। व्यापार मंडल के प्रधान का 2 साल का कार्यकाल मई में समाप्त हो गया है, लेकिन अभी भी चुनाव नहीं हो पाए हैं। इसे लेकर शनिवार को शहर में मंथन किया गया। बता दें कि सोलन व्यापार मंडल में 2 साल के बाद चुनाव करवाए जाते हैं। इस बार व्यापार मंडल के प्रधान का कार्यकाल मई में पूरा हो चुका है। अब कोरोना वायरस के चलते चुनाव तो नहीं हो सकते, लेकिन व्यापारियों का कहना है कि सर्वसम्मति से सभी एसोसिएशन कोई ऐसा व्यक्ति चुने जो व्यापारियों की बातों को प्रशासन के समक्ष उठा सके, ताकि जो भी समस्याएं शहर में आ रही हैं, उनका सही समय पर समाधान हो सके। आपकी क्या मांगे हैं? मैं पंकज वर्मा, शॉपकीपर अनाम कॉम्प्लेक्स। सो आज हम यहाँ कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं व्यापार मंडल के चुनाव से संबंधित। जैसा कि सबको पता ही है कि व्यापार मंडल का कार्यकाल अब समाप्त हो चुका है और एक नई बॉडी बननी चाहिए, उसके बारे में आज हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे। जो हम सब लोगों की सर्वसम्मति बनी है कि वोटों द्वारा तो इस समय चुनाव करवाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोरोना की महामारी चल रही है। तो सोलन में लगभग सारी एसोसिएशनें जो हैं काफ़ी सक्रिय हैं, जैसे माल रोड एसोसिएशन, जूता एसोसिएशन, कपड़ा एसोसिएशन। तो हमने यही विचार बनाया है कि ये सब लोग इकट्ठा मिल कर के और सर्वसम्मति से एक नई बॉडी का गठन करेंगे, और इस समय समय की मांग भी यही है, और इससे व्यापारियों में आपस में भाईचारा भी बना रहेगा और चुनाव भी होगा। कल तो पिछले माह खत्म हो चुका, 7 मई को खत्म हो चुका है। अजय सहगल, साई फैशन गैलरी का ओनर, और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो व्यापार मंडल का जो कार्यकाल है वो 7 मई को पूरा हो चुका है। तो पिछली बार जब इलेक्शन कराए गए थे तो जो इस टाइम वर्तमान में जो प्रधान जी हैं तो उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया था बहुत जोर शोर से कि जो पिछले वाले प्रधान जी हैं वो इलेक्शन नहीं करा रहे हैं। तो ये चीज़ उनको भी, अब उनके ऊपर भी ये बात लागू होती है कि 7 मई को उनका कार्यकाल पूरा हो गया, तो उनको खुद ही अपने हिसाब से डेट अनाउंस कर देनी चाहिए थी। अब कोविड का टाइम चल रहा है, इलेक्शन नहीं हो सकते, तो हम प्रधान जी को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अपने तरीके से अनाउंस करें, और सभी जिस तरीके से भी इलेक्शन नहीं हो सकते हैं आपसी सहमति बिठाकर जो भी नया, चाहे वो बने चाहे कोई और बने, नया प्रधान आए नई सोच की तरह से आए। तो हम ही चाहते हैं कि पिछली बार जो काम हमसे छूट गए, जो अगले प्रधान जी आए वो अच्छा काम करें, व्यापारी के हित में काम करें। और कल में जो हमने सोचा था, जो करा था प्रधान जी से, वो काम पूरे नहीं हो पाए। जो अब नए आए अब सोचते हैं कि बहुत अच्छा काम करें, हमारे व्यापारी के हित में करें, जो नहीं मिल पाती है। मैं विनय शर्मा, टेक्नोलॉजी शॉप जो है माल रोड पर इलेक्ट्रॉनिक्स की। आज हम जो सारे व्यापारी हम जो खड़े हैं खाद इकट्ठे हुए हैं, हमारा मेन मोटिव ये है कि जो हमारा इलेक्शन था पुराना व्यापार मंडल का, उसका जो समय है वो समाप्त हो चुका है कार्यकाल। 7 मई को उनका जो पुराना हमारा व्यापार मंडल था वो समाप्त हो चुका है, और नए व्यापार मंडल की हम तैयारी कर रहे हैं। तो हर एक दुकानदार चाह रहा है कि भी व्यापार मंडल हमारा बनना चाहिए, और उसमें कम से कम हमारे को समय मिले कि हम सबसे दुकानदारों से बात करें इसको कैसे करें, क्योंकि कोरोना की वजह से इस समय इलेक्शन तो नहीं हो सकता, बट ये है कि भी हम चाहते हैं कि सारी एसोसिएशन की 5-5 कम से कम मेंबर बुलाए गए और उनको बुला के एक मीटिंग की जाए, और हो सकता है पॉसिबिलिटी है तो उसको सहसम्मति से हम अपने प्रधान को चुन सकें, और वो ताकि चुन के हम उसको कहीं भी एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं वहाँ को दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उनको वहाँ पर समझे आगे। लेकिन जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है वैसे तो बोलना नहीं चाहिए, पर फिर भी ऐसा है कि उस कार्यकाल में हुआ तो कुछ भी नहीं है। हर एक दुकानदार हमेशा ये बोलता रहा कि ये तो फोटो वाला व्यापार मंडल है, फेसबुक वाला व्यापार मंडल है, तो उससे सेटिस्फाइड नहीं चाहिए। ठीक है, चलो कोई नहीं, बनाया तो हम ही लोगों ने था, तो अब नया बने तो उसमें अच्छा बनेगा और अच्छा व्यापार मंडल बन के आपके सामने सबके सामने। समस्या थी जैसे रोड पे नाली को बना के समस्या थी माल रोड पर, वो नाली तो बन गई, लेकिन वो नाली ऐसी बनी ना तो वो दुकानदारों के मतलब की रही, ना वो सड़क के मतलब की रही, दुकानों से 1-1 फुट ऊपर नाली उठा दी। इस बात को हमने कई बार वहाँ बोला, प्रधान जी बोलते हैं बहुत अच्छा काम हो रहा है जी, अब वो बनाई तो पब्लिक के लिए गई थी, लेकिन पब्लिक उस पर चलेगी कहाँ? आप बस समझो, 1 फुट तो वो कई जगह, अभी पीछे हमारे व्यापारी भाई सूरी साहब हैं, उनके साथ उन्होंने क्या किया, उनके घर के बाहर वो नाली उठा दी। अब आप एक जायज बात है उनकी भी, उनके घर के बाद 1 फुट जब उन्होंने वो उठा दिया उसको, अब उन्होंने घर में एंटर करना कैसे करेंगे? उन्होंने एक गलती की,
कि उन्होंने वहाँ पे जो है रोड़ी का रैंप डाल दिया छोटा सा, और उसके बाद में क्या हुआ, उनके बाद FIR भी हुई देखो ना। और अगर ये पहले ही उनको सेटल होता कि जब उनके घर की एंट्रेंस है उसको वहाँ से कुछ डाउन कर सकते थे, कुछ प्लानिंग हो सकती थी, तो ये सब बातें जो है व्यापारी के हित में जब कोई उठाने वाला ही नहीं है तो फिर जो प्रशासन करेगा वो तो हमें सहन करना ही पड़ेगा। ढाकड़ लीडरशिप चाहिए कि अगर हमारा प्रधान अगर खड़ा हो जाए पीछे तो हमें पता है कि हम 700 800 900 हजार आदमी उसके साथ खड़े हुए हैं, और हमारा एक जो प्रधान है वो बड़ा शक्तिशाली है, अच्छा है, तो हम तो ऐसी लीडरशिप चाहते हैं। कोविड के टाइम में जो कार्यकाल रहा, व्यापारियों से तो किसी तरह की कोई प्रधान जी बात करते नहीं है, उन्होंने तो एक केवल मनोज जी को साथ रखा हुआ है, मनोज जी को साथ लेके वो जहाँ भी जा रहे हैं उन्होंने मनोज जी को साथ ले लेना, साथ ही उन्होंने बाइक देनी है, किसी से कोई सलाह नहीं, किसी से कोई मशवरा नहीं, जो उन्होंने करना है खुद ही कर देना है। तो हाउस की आज तक कोई मीटिंग नहीं हुई, पिछली बार उन्होंने जब वो प्रधान बने तो उन्होंने बोला था कि हम इस तरीके से काम करेंगे, हम इस तरीके से, कोई जो उन्होंने बोला था किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ, और ना कोई हाउस की मीटिंग हुई, ना कभी किसी को बुलाया गया। तो अब हम जो चाहते हैं, हम प्रधान जी को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो अपने तरीके से जल्दी डेट अनाउंस करें, या नहीं करते हैं तो फिर हम सब इकट्ठे होके आपसी सहमति बना के, क्योंकि कार्यकाल 7 मई को ख़त्म हो चुका है, हम नई सहमति बना के फिर जो हम अपना प्रधान है हम खुद चुनेंगे, उसके बाद में जो लीडरशिप आएगी और एक्सेप्ट करेंगे, जो नया लीडर आए हमारा वो बहुत अच्छी तरीके से हमारे हित में काम करे। इन्हीं बातों के साथ में मैं आपका धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से प्रदीप भाटिया के साथ मोहिनी सूद की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है, और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के MD विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, डेढ़ों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है, इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।